माँ तुम कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना माँ? मेरी बिल्ली खुंचू कैसी है? वो रात को किसके पास सोती है माँ? क्या वो मुझे याद करती है? मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। सुनो माँ, दोपहर में अली साहब के बाग में उसे मत जाने देना। तुम्हें याद है माँ, एक बार मैं अली साहब के बाग से दो आम चुरा के लाई थी। कितना मजा आया था ना माँ, उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत। तभी बाबा ने मुझे देख लिया। अली साहब के भाई के साथ पकड़ लिया था मुझे, कितना मारा था मुझे। जब उस निशान पे मेरा हाथ जाता है तो आज भी मैं डर जाती हूँ माँ। बाबा कैसे हैं? उनसे कहना कि मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ भाई को नौकरी मिली या अभी भी नहीं लगी? क्या वो रामबाबू के साथ शहर गया था? इस बार बहुत बारिश हुई, बहुत। क्या घर की छत पर तुमने पुआल डलवाई? मेरी वो साड़ी ना रेनू को दे देना, उस पर बहुत खुदती है। माँ कालू और भालू कैसे हैं? यहाँ पे मुझे बहुत आराम है। देखो तो कितने सुंदर पलंग है, बहुत सारे गहने कपड़े लत्ते सब कुछ तो है मेरे पास। पर जब खाना खाती हूँ ना माँ, और मांस मुंह में डालते ही कालू भालू की बहुत याद आती है, सब दिखाई पड़ते हैं मुझे माँ। काम करोगी माँ? वो ताल का फूल तुम्हें पता है, कालू को उसके पकौड़े बहुत पसंद है, एक बार उसे खिला देना मेरे लिए माँ। तेल बहुत महंगा है मुझे मालूम है, फिर भी उसके लिए बना देना। सुनो सुनो माँ, वो जो तुमने मुझे बेच के गाय खरीदी थी, क्या उसने बछड़ा दिया? माँ मुझसे भली तो वो गाय है, लड़की हो जाए तो क्या क्या नहीं करना पड़ता, साड़ी दो खाना दो, इन पापियों से बचाओ। बछड़ा हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना, नाचते हैं गाते हैं। लड़की होने से तो भला गाय का जन्म ही मिल जाए। खैर मैं भी पता नहीं क्या लेके बैठ गई। एक दिन जानते हो माँ, बहुत जोरों की बारिश हुई और मैं बहुत घबराई हुई थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ना जाने बिना सोचे समझे ट्रेन में जाकर बैठ गई, और स्टेशन पर उतरते ही एक रिक्शा दिखाई दिया। जाके रिक्शे में बैठ गई, मन बहुत खुश था कि तुम लोगों से मिलकर आऊंगी। तो पीछे से आवाज आई, कौन है कौन है? मैंने देखा ये तो भाई की आवाज थी, और मैं मुड़ के बोली, मैं आई हूं आपकी बहन। जानती हूँ उस दिन भैया ने मेरे साथ क्या किया? भैया ने कहा तू गांव की गंदगी है, खबरदार जो आगे एक कदम भी बढ़ाया। टाक से मेरे गाल पे थप्पड़ मारा माँ, बहुत बहुत दर्द हुआ था माँ, मुझे बहुत बुरा लगा माँ, बहुत टूटी मैं।
वो दर्द मेरे अंदर आज भी मौजूद है। मैंने बोला, भाई मुझे एक बार माँ से मिलने देना, एक बार मिलके चली जाऊंगी, इसके बाद दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बस एक बार। तो भाई ने बोला, चल भाग यहां से। मैंने कहा, भाई मैं तुम लोगों के लिए कुछ पैसे लाई हूं। तो भाई ने कहा, अपने गंदे पैसे यहां से लेके जा। बहुत मन था मां तुमसे मिलने का। भाई ने धक्का दे दिया और राम बाबू ने वो सारे पैसे छीन लिए मुझसे। एक बात बोलूं मां, मुझे बेच के लिए हुए पैसे अच्छे पैसे, और जो मैं अपनी मेहनत से अपने शरीर को निचुआ के कमा के लाई, वो गंदे पैसे कैसे हो गए माँ? बताओ माँ, वो पैसे गंदे कैसे हो गए? छोड़ो माँ, माँ रोनू को मेरी तरह मत बेचना, मत बेचना उसको मेरी तरह। उसका अपना घर हो, अपना आदमी हो, अपना घर संसार हो, वो मेरी तरह नहीं बिकेगी, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बेच ना पाओ तो उसे मार देना, फांसी लगा देना, लेकिन उसे बेचना मत, मेरी तरह गंदा मत बनाना। मैं ये क्या बोल रही हूं, वो मेरी बहन है, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ माँ? नहीं, उसको कुछ ना हो माँ, उसको बिल्कुल कुछ मत करना माँ, उसे दूर ले जाना, कहीं बहुत दूर, गांव से बाहर, नदी तालाब जंगल, अरे कहीं तो कोई ऐसी जगह होगी जहां रोलू मेरी तरह ना बिके, ऐसी कोई जगह तो होगी माँ। और अगर उसे बेचे, तुम्हारा घर ना चले, तो मुझसे पैसे ले लेना, मेरे पास आना माँ, मैं दूंगी पैसे, बहुत सारे पैसे, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना जैसे मेरी की तुमने। इस दुनिया में कहीं तो जगह होगी जहां लड़की के शरीर को गंदा ना समझा जाए, जहां उसे नोचा ना जाए माँ, ऐसी कोई जगह तो होगी जहां गरीब की बेटी तवायफ ना बने, पाप ना बने, गंदी नाली ना हो, ऐसी कोई जगह तो होगी माँ। तुम रोलू को कभी छिपा देना माँ, ताकि एक लड़की मेरी तरह बर्बाद ना हो माँ, ऐसी कोई जगह तो होगी ना, ऐसी कोई जगह तो होगी ना माँ।